नालंदा जिले के लटेरी की ग्राम पंचायत रूसिया में ग्रामीण क्षेत्र में सीसी सड़क निर्माण चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। आरोप है कि सरपंच सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलकर लाखों रुपयों का गबन किया है। ग्राम पंचायत रूसिया के सरपंच रचनाबाई पाल और रोजगार सचिव फहीम की मिलीभगत से फर्जी तरीके से निकाल लिए गए 3,31,500 रुपए। बताया जा रहा है कि पंचायत सचिवालय द्वारा राज्य वित्त आयोग जिला पंचायत स्तर से यह राशि निकाली गई। जानकारी के मुताबिक सीसी रोड सहनाली निर्माण रामचरण कुमार के घर से हनुमान मंदिर तक होना था, किंतु सिर्फ कागज पर कार्य दर्शाकर अधिकारियों से मिलजुल कर यह राशि निकाल ली गई। ग्राम पंचायत रूसिया के रोजगार सचिव फहीम और सरपंच रचनाबाई पटेल ने मिलकर 3,31,500 रुपए निकाल लिए और निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इस विषय में ग्रामीण बुदेल सिंह पाल का कहना है कि गांव में कोई सीसी निर्माण नहीं कराया गया। सरपंच ने पूरे 3,31,500 रुपए हजम कर लिए। वहीं ग्रामीण राहुल शर्मा से बात की तो राहुल का कहना था कि हम इस विषय में कई बार शिकायत कर चुके हैं, शिकायत का पता पड़ने पर सरपंच द्वारा मुझे धमकाया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि महिला सरपंच का ससुर इस घपले को अंजाम दे रहा है। गांव के लोगों ने सरपंच के कार्यों और मामलों की जांच की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक यदि पंचायत की जाँच ईमानदारी से नहीं हुई तो वह इसकी शिकायत भोपाल तक करेंगे और इस भ्रष्टाचार के विरोध में बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, फिर कई अधिकारी के नाम भी उजागर हो सकते हैं। राजस्व विभाग लटेरी और राजस्व विभाग सरोन में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अधिकारी कर्मचारी लापरवाह हुए हैं और पटवारी आम जनता की बातें नहीं सुनते हैं। ठीक से राजस्व का जो मॉनिटरिंग एसडीएमओ को करना चाहिए वो भी नहीं हो रही है। इसके लिए मैं स्थानीय एसडीएम की निंदा भी करता हूँ, कलेक्टर साहब से अपेक्षा करता हूँ आदरणीय केवी सिंह जी से कि वह सरोज लटेरी राजस्व विभाग में और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं और स्थानीय अधिकारियों को जनता के प्रति समर्पित करें। रोड ने वो आधा दो निर्माण हुआ है रोड का, उसके पैसे निकाल लिए गए 3,31,500 कुछ रुपए है उसके, जो रोजगार सचिव और उसने सरपंच से निकाल लिए गए। अच्छा एक चीज और जान रहे, आपने इसकी शिकायत करी क्या? शिकायत एसडीएम साहब को भी अवगत करा चुके हैं, सीओ साहब अवगत हैं।